नमस्कार अर्गस अपडेट सह मु निवेदिता बुलेटिन आरंभरु प्रथमे हेडलाइंस पुरी हाजत मृत्यु मामला हाईकोर्ट रे सत्यपाठ दाखल कले राज्य सरकार हाजत मृत्यु नुहे बोली सत्यपाठ रे उल्लेख पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखल मामलार स्टेटस रिपोर्ट दाखल करबा को हाईकोर्ट को निर्देश स्कूल फी छाड़ प्रसंग में स्कूल और गणशिक्षा मंत्री का प्रतिक्रिया हाईकोर्ट को निर्देश आम पाखे पहुंची ना कोर्ट को निर्देश मिलवा पर विभाग सह तर्जमा कर निष्पत्ति नेबो आज खोलला उच्चशिक्षा विभाग अधीन विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज कोविड कटक मानवा को कड़ा निर्देश कैंपस प्रवेश समय थर्मल स्क्रीनिंग प्रथम पर्यायर यूजी और पिजि शेष वर्ष छात्र छात्री पाठपढ़ा इतिहास रचिले भारतीय महिला पायलट भरिले विश्वर सबुठ लंबा उड़ाण सैन फ्रांसिस्कु बेंगलुरु यात्रा थिला 16,000 किलोमीटर विमान बंदर में पहुंचा पर जोरदार स्वागत एमती भी आसे मृत्यु सेल्फी नवा बेले भासीगले युवती सुंदरगढ़ ईब नदी में अभावनीय घटना सोशल मीडिया रे कहला मृत्युर जीवंत दृश्य खूब शीघ्र सारा देश में होब टीकाकरण आज सबु राज्य मुख्यमंत्री विसी जरिया प्रधानमंत्री बैठक कोरोना वैक्सीन उपर होब आलोचना कंधमाल दारिंगबाड़ी छक जलिकला बस अल्पके बर्तिले समस्त यात्री बालिकुड़ारु ओडगां जाउथिला यात्रीबाई बस बस थिले 30 अधिक यात्री एवं बर्ड फ्लू भय राजधानी दिल्ली समेत देशर 7 राज्य में हाई आलर्ट अनेक कुकुड़ा और काऊ मरी पड़ा सूचना ल्याब को परीक्षा पाई गला पक्षी मानक नमूना आसवा संपूर्ण खबर को पुरी हाजत मृत्यु मामलें सत्यपाठ दाखल हाईकोर्ट में सत्यपाठ दाखल कले राज्य सरकार हाजत मृत्यु नुहे बोली सत्यपाठ में दर्शाइबा सह पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखल करिछंती राज्य सरकार तबे मामलार स्टेटस रिपोर्ट दाखल करने को हाईकोर्ट निर्देश देइछंती आसंता जनवरी 22 तारीख में मामलार परवर्ती शुणाणी हेबो नवंबर 19 तारीख में पुरी बासलीसाई थाना हाजत में पुलिस रमेश को पिटी पिटी मारी देइथिबार होइथिला अभियोग तबे एने अधिक सूचना पाई सीधासख नहीं चलु पुरी पुरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष जोड़ी आलोक जो बहुचर्चित पुरी हाजत मृत्यु मामलें जहां सूचना आसुची कि हाईकोर्ट में सत्यपाठ दाखल कर राज्य सरकार तेज सत्यपाठ में क्यों सबू विषय उल्लेख रही आलोक जनस्वार्थ मामला दायर करी शरत राय गुरु जनस्वार्थ मामला पर शुणी होती कह अत्युक्ति हमें सीधासल आलोचना करा आम सहित शरत राय गुरु अच्छे बास्तव में आज हाईकोर्ट कौन सब पॉइंट मेंशन कर पूर्व हाईकोर्ट में सत्यपाठ दाखल कराइए 5 लाख टाइम एसगेसीआई दी जाता है करते जेहतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखल कराइना पुलिस विरोध में एक्शन दर्शक जानवाक चाहिए विस्तृत भाव में कौन सब उल्लेख रही शुद्ध गत तारीख डेट जो थिला 22 तारीख दिन आज से एफआईआर कर स्टेटस रिपोर्ट दाखल कर निर्देश थिला बदल आज एफआईआर सब दुर्भाग्य कथा ये स्टेटस रिपोर्ट जो देवार पूर्व एफआईआर कले से एफआईआर 323 304 एफआईआर है जो बेलेबुल अफेन्स गोटे मुदला जितने ता मुंडे सबड्यूरल हेमाटोमा होती 250 ml ब्लड क्लॉट कर सहित 26 इंजुरी अच्छी से 26 इंजुरी और 250 ml ब्लड क्लॉट होगा सबड्यूरल हेमाटोमा होगा 323 304 मकदमा आज कर सत्य आप देखिए या पूर्व जो एफआईआर थिला सी आज जहाँ एफआईआर कहते से एफआईआर स्टोरी हो से कौन कला ना हि फेल डाउन फ्रॉम हिज मोटरसाइकिल कि या पूर्व जो एफआईआर थिला सी लिखिले हि पार्कड हिज मोटरसाइकिल ऑन लेफ्ट साइड एंड रन अवे एवं पूर्व एसपी जो देते जे बर्तमान एसपी जो मैंने एफिडेविट को देते सत्यपाठ दाखल कर हाजत मृत्यु मल्ला तो तीन टाक कंट्राडिक्टरी पॉइंट को निश्चित मान्य हाईकोर्ट को दृष्टि आकर्षण कर
सी डीएसपी जो गत 8 तारिख जो अभियोग करछन ताधर विस्तृत भाबे जो मेंशन रही छि 323 एवं 304 आ आपण केम देखु छन से 323 304 ये घटना नुहो 323 304 घटना नुहो शरद रायगुरु सीधा सड़क कहते जो 304 एवं 323 जो दुईट दफा लगी कारण गत 8 तारीख तीन दिन पूर्व एचआरपीसी डीएसपी जो भाई भाव अभियोग कर वास्तव में जो भाई भाव में डाक्तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहते मुंड ठार गोड़ पर्यटन जो सत क्षत लगी क्षत आधार में 323 और 304 जो एफआईआर बनाई जथेष नुह निश्चित भाव में परवर्त शुणा अच्छी जानुरी 22 तारीख में अच्छी तेज आम आशा रखा माननीय हाइकोर्ट सब दिग्क सविशेष विचार करें जी आम निवेदित के रमेश हाजत पुटी घटना अपडेट कहवा तेज दुई जन कनिष्टबल और जड़े एसआई कोईपर निलंबित करत्कालीन जी रही है जीवन जेना बासेसी थाना आईएसी जिला हेडक्वार्टर को ट्रांसफर कर तत्कालीन एसपी अखिलेश्वर सिंह को कटक डीजी ऑफिस को स्थानांतरित कराई तेज बर्तमान रहस्य घेर रही है जेहतु पुलिस विरोध में आक्शन के सब बड़ कथ जानुरी 22 में माननीय हाइकोर्ट सब दिग कौन सब आलोचना करपर देखा बाकी रहा वास्तव में स्टाटस रिपोर्ट कौन मामलार तदंतर अपडेट रिपोर्ट कौन जहाँकि माननीय हाइकोर्ट राज्य सरकार को कहते राज्य सरकार वास्तव में कौन सब सत्यपाठ दाखल कर तदंत रिपोर्ट केत दूर आगे तापर जानुरी 22 तारीख पर्यंत नजर रही है आलोक आपीघ्र फेरबी सीधा सख नहीं चलु कटक और कटक रु आम प्रतिनिधि इमरान खान आम सहित जोड़ी इमरान बहुत चर्चित हाजत मृत्यु घटना को नहीं आज जो तथ्य सामना को आसी जो स्टाटस रिपोर्ट आसी से हाजत मृत्यु होना कई जहाँ जी जनस्वार्थ मामला दायर करते जहाँ प्रतिक्रिया रखुते जहाँ आमको आम प्रतिनिधि आलोक सुनाऊते कहवा कथा ये भूल निष्पत्ति अर्थात भूल कथ कौन तेज आसंता परवर्ती शुणी 22 रही है यहाँ अपेक्षा रही कौन कहे देखो तो निवेदित आप जानते बहुत चर्चित पूरी रे जो हाजत मृत्यु मामला को लेकिन जो भाव में बाद विवाद लगी रहता है से मामलें गोटे पूरी एसपी बदली जानते अखिलेश्वर सिंह जीतने के मामला जो बड़ बद होता है हाजत मृत्यु मामला होता है पूरी पुलिस हिफाजत मृत्यु के रमेश जी रही मृत्यु होता है जहां निजे पूरी तत्कालीन एसपी अखिलेश्वर सिंह स्वीकार करते हैं तनाव लगी राजनैतिक माहौल सरगरम होता है से मामला जिते कोर्ट में आसिक पहुंचला और कोर्ट में मामला कोर्ट रे मामलार शुणी जिते आज जेहतु से मामलार परवर्त शुणा थी और मानव कोर्ट आज जहां निष्पत्ति जहां निर्देश आज देते से पुलिस को जो तदंतकारी विभाग अच्छी से पूरा पूरी भाव में निर्देश देते जो वर्तमान तदंत कौन करपर भाव में चली स्टाटस रिपोर्ट कौन अच्छी समुदाय अपडेट रिपोर्ट नहीं से कोर्ट में दाखल करने निर्देश देते यही मामलार परवर्त शुणा आसंता 22 तारीख दिन हम जहाँकि आज कोर्ट निर्देश कितु आप जानते हैं जेहतु बर्तमान कोर्ट में मामला विचाराधीन रही आज शुणी होता शुणी में और जिते बड़े सरकार पक्षर सत्यपाठ दाखल है तो सत्यपाठ सरकार निज पक्ष हाजत मृत्यु होना तो सरकार निजर सत्यपाठ दाखल कर हाजत मृत्यु होना और से पुणी थे या पूर्व सरकार से कहते कि हाजत मृत्यु होना कि आज जेहतु सत्यपाठ दाखल करते से पुणी थे दोहरैले कि यहाँ हाजत मृत्यु होना और जहाँ को देखिए आज सब सत्यपाठ दाखल करने कोर्ट जिते बड़े पुणी शुणी राय जिते बड़े सरकार को सत्यपाठ पर कोर्ट जिते बड़े राय शुणाइले से राय कोर्ट सीधा सरकार कहले जे मामलार तदंतर समुदाय पूरा अप टू डेट तदंत रिपोर्ट केमती कौन रही किभ भाव में तदंत चलती कते दूर पर्यटन तदंत गला सबूर रिपोर्ट दाखल करने कोर्ट निर्देश देते सहित यही मामलार परवर्त शुणी आसंता 22 तारीख दिन हम बोली आज माननीय हाइकोर्ट जो तदंतकारी विभाग को और राज्य सरकार को निर्देश देते निहांती बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपण सूचना पर तेज आसंता 22 तारीख को अपेक्षा पुणि थे फेरबी आलोक पाखक आलोक जदि कहवा कि आप जानते घटन पूरी पूर्वतन जी रही है एसपी अखिलेश्वर सिंह को बदली करागला सबू भितर एसपी कहते कि हाजत ही मृत्यु होता परवर्त समय कथ आसला कि पड़जा जो मृत्यु हो जो कन्फ्यूजन प्रकृत में आशा कौन करें आसंता 22 तारीख में जो सरकार तरफ जो स्टाटस रिपोर्ट दाखल कौन निष्पत्ति हे देखो घटना तो
निलंबित कराई नेग्लीजेंस घटना जो भाई अवहेला दृष्टि निलंबित कराई जीवनानंद जेना जी रही है तत्कालीन आईआईसी बासिलीसाई थाना कह गले बदली कर विस्तृत भाव आलोचना करें आम सहित शरत रायगुर अच्छा जी जनस्वार्थ मामला दायर करी आगे आशा कौन करें कारण अनेक जिन भारी होने जो भाव कहते प्रथम ह्यूमन राइट्स कमिशन ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन एचआरपीसी समस्त तदंत तो आज करुँच कि वास्तव में लाकुना कौट रोच राज्य सरकार कौन लुचाक चेस्ट कर तदंत प्रकृत आज ठीक बात होना केवल एसपी बर्तमान पूरी जिला प्रशासन और पूरी पुलिस प्रशासन ये तदंत को बातवणा करने गोटे तथ्य को लुचाई आउ भिन्न भिन्न तथ्य से दौरान जो तथ्य गुड़िक निश्चित भाव में आईन अनुजाई ठीक जो सत्यपाठ दुईट सत्यपाठ पूर्व दाखल कराई सत्यपाठ भारी कौन हो डिफर कौन आसूँ सत्यपाठ प्रथम सत्यपाठ दाखल कले ये आबांडन इज मोटरसाइकल एंड रैन हुए प्रथम सत्यपाठ देखिए पर पूर्व एफआईआर हि माने पार्क हिज मोटरसाइकल एंड रैन हुए किंतु आज सी एफआईआर दौंती जो एफआईआर देखिए हि फेल डाउन फ्रॉम हिज मोटरसाइकल तमें तीन जाक केवल 323 304 ए रे जेहेतु एफआईआर ताक करेंगे से घटनामूलक भाव में और संपूर्ण कल्पकल्पित भाव में ये एफआईआर ताक तैयारी करेंगे बेलेबुल अफेन्स से ही फेल डाउन फ्रॉम हिज मोटरसाइकिल देखिए कहीपर जो पुलिस अधिकारी मैंने हाजत मृत्यु घटना के रमेश संपृक्त अच्छा 323 304 आक्ट निश्चित भाव में बेलेबुल तो सफिसीएंट सफिसीएस कार्यानुष्ठान तो हम ना से तो केमी घंट घोड़े पुलिस 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 कि घंट घोड़ब से जोड़िए मात्र दफार से बुक एफआईआर देखते एफआईआर देखिए दीटा बेलेबुल अफेन्स कि आम दाबी करनी कहीं बुक हेनी ताे आसंता डेट्रे निश्चित दाखल करूँ और यहाँ हजात मृत्यु ये हजात मृत्यु नुह बोलीदे हम ना दुख लगे सब बड़ कथा होती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहाँ कि मुंड ठार गोड़ पर्यटन शक्त आघात लगी आघात को निश्चित भाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दाखल करते कारण पूर्व सत्यपाठ पूर्व शुणी हाईकोर्ट क्षब्ध होते दाखल कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन कह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मानते 26टा दाग एवं गोटे जो 15 नंबर जो अच्छी इंजुरी से 15 नंबर इंजुरीटा हो 250 ml र ब्लड क्लॉट हो सबडुराल हेमाटोमा हो 26टा इंजुरी ता सहित ब्लड क्लॉट जो होती एटा कौन 323 र मकदमा 304 ए र मकदमा 323 304 कर सूचाइले आज जे एटा को कौन से मत दबाई देते चपे देते 22 तारीख में स्टेटस अपडेट तदंतर अपडेट रिपोर्ट किभर भाव में दाखल करेंगे और शेष प्रश्न मोर आप मानवर हाईकोर्ट कोटारू जो 22 तारीख में गुरुत्वपूर्ण शुणी अच्छी कौन आशा रखी प्रथम कहतु स्टेटस रिपोर्ट किभर भाव से दाखल करेंगे कारण तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी अलग कौन देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहाँ कहूँ निश्चित मानवर हाईकोर्ट कनसीडरेसन ने मैंने एफआईआर देदेले एफआईआर अग्रगति संपर्क में स्टेटस रिपोर्ट दाखल कर अपडेट रिपोर्ट दाखल कला मानवर हाईकोर्ट एफआईआर ये पोस्टमार्टम देखिए भिसेरा मध्य पहुंची जीव पोस्टमार्टम भिसेरा रिपोर्ट पहुंची गला परे माननीय हाईकोर्ट आम आशा करूँ निश्चित भाव यह एक 302 मकदमा बोली कहीं ग्रहण हेनी जदि माननीय हाईकोर्ट निर्देश देवे नचे तो ये जो घटना एफआईआर होती ए एफआईआर मध्य आम निश्चित भाव सत्यपाठ दाखल करूँ जहाँ शुणुते आसंता जानुरी 22 तारीख को परवर्ती शुणी रही समस्त नजर रही है बास्तव में तदंतर अग्रगति कौन रही तदंतर स्टेटस रिपोर्ट कौन राज्य सरकार दखल करेदिता समस्त नजर रही है भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आप सूचना तेज जहाँ आम शुणुले आम प्रतिनिधि आलोक जहाँ कहते एक कहुच्छे कि कोटना कोटी तदंत को बाटबणा करने ये गोटे प्रकार प्रयास और गोटे पर गोटे नुआ सत्यपाठ दाखल करो कि कौन प्रकार तालमेल रोनी सब बड़ कथ हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी अलग उल्लेख रही बेले जहाँ सत्यपाठ सरकार तरफ दाखल करलगा रही तेणु आसंता 22 तारीख में जेहतु मामलार परवर्ती शुणी रही समस्त नजर रही आगामी निष्पत्ति कौन हो हाईकोर्ट कौन निष्पत्ति शुणा समस्त नजर रही। आसवा परवर्ती खबर को स्कूल फी छाड़ प्रसंग में स्कूल और गणशिक्षा मंत्री समीर दास का प्रतिक्रिया कहले हाईकोर्ट को निर्देश आम पाखे पहुंची ना ए संपर्क में गणमाध्यम खबर पाई कोर्ट को निर्देश मिलवा पर विभाग सह तर्जमा कर निष्पत्ति नेबो गत काली आपणकर हाईकोर्ट रे प्रकाश पाई आज जहाँ गणमाध्यम मध्यम एक केवल आम नजर को आसी तेणु मानवर कोर्टंकर निर्देश आसिक पहुँचला विभाग में पहुँचला विभाग ए संपर्क तर्जमा कौन कर कौन मानवर उच्च न्यायालय कौन कही कौन परामर्श देखते देखापर से संपर्क में जहाँ निष्पत्ति कथा नि इतिहास रचिले भारतीय महिला पायलट विश्वर सबुठ
लंबा उड़ाण पूरण करिछंती एयार इंडियार चारि महिला पायलट। 16,000 किलोमीटर रो दीर्घतम उड़ाण करी बेंगालुरु रो कांपे गौड़ा विमान बंदर रे अवतरण करिछंती। अमेरिका रो सान फ्रांसिस्को रो उत्तर मेरु उपरे विमान उड़ाण बेंगालुरु रे पहुंचिछंती। ए दीर्घतम यात्रा को पूर्ण करी पूरा विश्व को निज दम देखाइछंती ए चारि महिला पायलट। विमान बंदर रे पहुंचिबा परे मानकु जोरदार स्वागत करा जाइछि। या सह ए चारि महिला पायलट एयर इंडिया पक्षरु सान फ्रांसिस्को रु बेंगालुरु मध्यरे सीधासलख विमान चलाचल आरंभ करिछंती। सूचना योग्य जे कैप्टन जोया अग्रवाल ए उड़ाणर नेतृत्व नेथिले। ए दीर्घतम यात्रा पूरण करबा पई एमानकु 70 घंटा समय लागितिला। ए यात्रा को पूरण करी पायलट माने 10 टन विमान इंधन मध्य बंचाइछते। अनेपटे बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री हरदीप सिंह पुरी मध्य ट्वीट करी एयर इंडिया रो इतिहास रचितबाय चारि महिला पायलट को शुभेच्छा जणाइछते। I think I was extremely honored. I felt very lucky to be chosen. I've been on this fleet for about a year and a half now, and I've been working with the company for only 4 years. So to get an opportunity like this, I think I was extremely honored, extremely blessed. I felt very, very, from flying from two diametrically points on the globe, which is San Francisco to Bengaluru. If you see the globe, they're on two exact diametric points. So today is the world. Today is the day we create world history by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it. And it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it. And we are extremely thrilled that our government, our airline has instilled this trust in us. And we all did it together as a team. स्कूल परे आजिठू खोलिला राज्यर समस्त कॉलेज और विश्वविद्यालय। यूजी और पीजी शेष वर्ष छात्र छात्री कॉलेज और विश्वविद्यालय खोली। क्लासरूम समेत कॉलेज परिसर को सानिटाइज कर एथसहित राज्य सरकार को कोरोना गाइडलाइन मानि क्लास करा जाउछि। दुईट सेक्शन रे छात्र छात्री माने क्लास करुछंती। दुई सेक्शन मध्यरे अर्ध घंटार व्यवधान रखा जाइछि। गोटिए बेंच रे सर्वाधिक दुई जण बसिबा नै कॉलेज अध्यक्ष कहिछंती। श्रेणी गृह रे सामाजिक दूरता रक्षा सह छात्र छात्री अध्यापक ओ कर्मचारी को कैंपस प्रवेश समय रे थर्मल स्क्रीनिंग को बाध्यतामूलक करा जाइछि। क्लासरूम लाइब्रेरी लैबोरेटरी रो आदि स्थान रे 6 फुट सामाजिक दूरता रक्षा। जदि अधिक संख्या रे छात्र छात्री रुहंती तबे बैच अनुसार विभक्त करबाकु कुआ जाइछि। सेपरि राज्यर समस्त वैषयिक शिक्षानुष्ठान ओयूएटी ओ संस्कृति विश्वविद्यालय भी आजिठारु खोलिछि। इंजीनियरिंग ओ डिप्लोमा शेष वर्ष छात्र छात्रीक पाई फिजिकल क्लास हेबा नै वैषयिक शिक्षा विभाग सूचना दैछि। आज सबु राज्यर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आलोचना। सारा देश में कोरोना टीकाकरण नहीं विसी जरिया आलोचना। सेपटे खूब शीघ्र राज्यवासी उपलब्ध हो टीका। टीकाकरण राज्य में 160 सेशन साइट निर्धारण कर सरकारी हस्पिटाल सीएचसी पीएचसी घर हस्पिटाल को मिसाई 160 स्थान में टीकाकरण आउ किछि टीकाकरण स्थान चिन्हट चली। टीकाकरण लंच दिन प्रत्येक स्थान में 100 जन लेखाएं स्वास्थ्यकर्मी को टीका दिया। एमिति आसीथला मृत्यु। सेल्फी नेबा बळे भासीगले युवती। सुंदरगढ़ ईब नदी में युवती सेल्फी नेबा बळे भासी जिबार दृश्य सोशल मीडिया रे भाइराल होबारे लागिछि। पिकनिक जाइथवा बळे राजगांगपुर कुंभारपड़ार निरूपमा प्रजापति ईब नदी में सेल्फी नेउथिले। तबे सेल्फी नेउथवा बळे गोड़ खसी जिबारु नदी में भासी जाइथिले। निखोज हेबार 22 घंटा परे तांकु 300 मीटर तले एक पत्थर रे मृतदेह उद्धार करा जाइथिला। निरूपमा एक पत्थर उपरे छिड़ा होई मोबाइल सेल्फी नौले। ठीक से बेले आउ जे युवक से स्थान को आसुवा बेले गोड़ खसी जबारु निरूपमा को धोका देते फले निरूपमा पानी रे भासी जाइथिले। पूर्वतन रेलवे पक्षर् पुरी रेल स्टेशन रे प्रथम थर पर स्वयंचालित कोच वाशिंग प्लांट व्यवस्था आरंभ हो। यादारा समय पानी और मानव संबल व्यवहार कम कर पुरी विश्वस्तरीय रेल स्टेशन होता बेले प्रत्येह एठार देशर विभिन्न स्थान को ट्रेन चलाचल कर पूर्व मानुआल व्यवस्था द्वारा ट्रेन सफा करने को समय लगुला। स्वयंचालित कोच वाशिंग प्लांट वाटर ट्रिटमेंट प्लांट कंट्रोल रूम वर्टिकाल ब्रश व्यवस्था रही।
ଫରେ ସହଜରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଚାରୋଟି ବନଖଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ 36 ପ୍ରଜାତିର ମୋଟ 13,892 ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ବନଖଣ୍ଡ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ଙ୍କ ସହ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ଓ ପ୍ରତି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ବର୍ଷରେ 37 ପ୍ରଜାତିର 14,032 ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ 2020ରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ 36 ପ୍ରଜାତିର 13,892 ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ବର୍ଷ 140 କମ୍ ପକ୍ଷୀ କମିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନଖଣ୍ଡ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସହ ଅଧିକାରୀ ସାଧନା ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା। କରୋନାର ଭୟାବହତା ଭିତରେ ସେ ନିଜ କର୍ମରୁ ଓହରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହ। ସାମ୍ବାଦିକ ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶାହ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ସମୟର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲେ। 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଖୋଲିଛି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନି ସାମାଜିକ ଦୂରତା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିବାରୁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବଢ଼ିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ +3 ଫାଇନାଲ ଇୟରର କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। 8 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କଲେଜ, ଆମର 8 ତାରିଖଠୁ +2 କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ସବୁ ସାନିଟାଇଜର ରଖିଦେଇଛୁ, ଆଦି ପିଲାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେକ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର +2ରେ 60-70 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 100 ଉପରେ ହେଲେଣି 320ରୁ। ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରି କଲେଜ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଉଛି, ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବାର। ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା, ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟାୱାର୍ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିପାରୁନଥିଲୁ। 2 ମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯାଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଆସିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛତୁଆ ଦୁର୍ନୀତି ମହାଘୋଟାଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ। ରାଜ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କୋଟିପତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଭଟ୍ଟ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ପୁରୀ ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ କିରାଣୀ ତଥା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସହାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦାବି କରିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଛକରେ ଅଘଟଣ, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଯାଉଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ତେବେ ବସ୍ରେ ଥିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରୁଦ୍ରକାଳୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ଏମ୍ ରାମପୁରଠାରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଅଭିମୁଖେ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ବସ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, ତେବେ କାହାରି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ତେଜନା, ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା
सेफार कर्मचारी को बाहर कर संस्थार मालिक नूतन कर्मचारी को कार्य नियोजित करने को नहीं पौरपालिका कार्यालय आगे उत्तेजना जारी रही। दीर्घ समय धरी बाहर होता कर्मचारी सहित संस्थार ठिकादार जुक्तितर्क होता आज को दीर्घ दिन धरी कर्मचारी ईएसआई ईपीएफ टंका नेउथवा बळे सेमानक टंका डिपोजिट करनथिबा सहित सेमानकर दरमारु मन्न इच्छा टंका काटुथिबा अभिजोग करिछन्ती। याकु नै संस्थार मालिकंकु बहुबार जणाइथिले मध्य आजि पर्यंत समस्यार समाधान होइ पारि नाही। फले चैत मास 1 तारिखरु कर्मचारी माने कार्य बन्द करिछन्ती। तबे सेमानक समस्याकु न बुझि संस्था पक्षरु आजि नूतन कर्मचारीकु कार्य करबाकु पौरपालिका कार्यालयकु पठाई दिया जाइछि। जाकुने कार्य बंद करितबा कर्मचारी और कर्तृपक्ष मुहांमुही होइथिले। समस्या समाधान नहेबा पर्यंत काम करबाकु देबे नै बोली जिद धरिथिले। फरे घटनास्थलरे उत्तेजना सृष्टि होइथिला। तबे समय सरिछि बुलेटिन को एट रखुछु। अधिक खबर पई देखु थांतु अर्गस न्यूज। नमस्कार।